Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter electricity and circuit. So today in this session we are going to learn about electric circuit. So अभी हम लोगों ने देख लिया सेल के बारे में, we have understood, हमने बल्ब के बारे में भी देख लिया और हमने ये भी देखा कि when there is a connection between the cell and the bulb, then only the bulb glows. और वो जो कनेक्शन है वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए. सो ये जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, सो दिस कनेक्शन मींस क्या, इसी कनेक्शन को हम साइंस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सर्किट. क्लियर हुआ? सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट the electric circuit. So what is this electric circuit? जैसा हमने देखा था in the previous session, we have seen कि these bulbs were arranged in four different manners, है ना? तो कहीं हमारा, और हमने ये देखा था दो ऐसे connections थे जहां पे bulb was glowing और दो ऐसे हमने connection देखे थे where bulb was not glowing. So हमने ये देखा कि क्या देखा था कि या तो वायर वॉज नॉट कनेक्टेड, है ना, आपस में ज्वाइन थे ही नहीं, ब्रेकेज था तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, या हमने एक ही टर्मिनल से सब वायर्स को ज्वाइन कर दिया था. सो दिस मींस एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका वो जो हमारे पॉइंट्स हैं, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक विच पॉइंट नीड टू बी कनेक्टेड विद द अदर पॉइंट. और इसका सबसे पहले, कुछ और चलने से आगे पहले, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल. लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ टॉर्च. या कोई भी आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए जहां पे आप सेल डालते हैं. ओके, सो अब वो उसका एक पोजिशन होती है, उसमें साइन बना होता है जिसको देखकर हम अपना सेल फिक्स करते हैं. अगर हम उसके वैसा नहीं करें जो उन्होंने साइन दे रखा है, वो वाला वी आर नॉट मैचिंग, वो जैसे साइन है कि आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट अटैच करना है, जब तक आप उस पार्ट पे वैसा नहीं करेंगे विल डेट इंस्ट्रूमेंट वर्क? सोचिए, नहीं होगा. जैसे हम बल्ब, वो टॉर्च का एग्जांपल ले रहे हैं, टॉर्च क्या हम लोग ऐसे ही बस सेल डाला काम हो जाता है, या हम उसके टर्मिनल्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वी पुट इट. तो अगर आपने देखा होगा तो टॉर्च में क्या होता है, एक जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और उसके साथ फिर हम पॉजिटिव अटैच करते हैं. अगर हम दोनों नेगेटिव साइड साइड में रखेंगे तो व्हाट डू यू थिंक, विल द टॉर्च बी एबल टू वर्क, जबकि बैटरीज बिल्कुल ठीक है, बल्ब बिल्कुल ठीक है? नहीं हो पाएगा, है ना. तो दिस मीन्स अब ये जब हम पॉजिटिव नेगेटिव का एक कनेक्शन बना रहे हैं, दिस मीन्स वी आर पुटिंग इन अ प्रॉपर सर्किट. क्लियर हुआ? अब उसी चीज को जो हम ऐसे समझते हैं, अब हम वायर्स के थ्रू समझ रहे हैं. सो इसमें वी आर लुकिंग एट दिस के जब हमने देखा तो यहां पर जो हमारा पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी था वो हमारे कहां अटैच हुआ, विद द बल्ब, और ये पक्का क्या होगा, नेगेटिव एंड ऑफ द बल्ब. नेक्स्ट क्या है, अब हमने फिर जो हमारा पॉजिटिव एंड था उसको हमने नेगेटिव एंड ऑफ द बल्ब जब ज्वाइन करा, द बल्ब वॉज वर्किंग. क्लियर? अब इसमें आप देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेटिंग्स, कुछ देखकर जस्ट मेक अ गेस. कुछ डिफरेंट है, आप क्या देख रहे हैं, है ना. यहां पर आप ये वायर को कहां अटैच होते देख रहे हैं, और इस वायर को इधर. क्लियर? और इन दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि बल्ब इज ग्लोइंग, दिस मीन्स द सर्किट इज कंप्लीटेड. क्लियर? सो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, व्हेन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, दिस सच जो अरेंजमेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट.
जब बैटरी का बल्ब से एंड बल्ब का बैटरी से कनेक्शन हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि ये जो वायर्स हैं, दे आर टेलिंग अस द अबाउट द सर्किट. क्लियर? सो सर्किट मीन्स व्हेन द थिंग इज कनेक्टिंग विद द वायर्स विद द अदर थिंग. और ये जो दो कनेक्शन है, तो वन इज द पावर सोर्स एंड द अदर वन इज द ऑब्जेक्ट डेट इज गोइंग टू यूज डेट पावर. सो वन इज द सोर्स, वन इज द कंज्यूमिंग एंड. अब जब उनका प्रॉपर कनेक्शन होगा, तभी जो कंज्यूमिंग एंड है कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर पुटिंग सो मच फोकस के एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए. क्योंकि जब प्रॉपर कनेक्शन होगा, तभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट अंदर जो फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से द बल्ब विल ग्लो, वो तभी पास हो पाएगा. इट कैन पास ओनली व्हेन इट इज प्रॉपरली कनेक्टेड. नहीं तो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन नॉट पास, इट कैन नॉट मूव. ठीक है? और ये हमारे कैसे हो रहे हैं, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. क्लियर हुआ? सो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड देन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग टू द, चाहे हम बल्ब कह लें चाहे कुछ कह लें. क्लियर? नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट. हमने ये देख लिया कि बैटरी से करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर्स टुवर्ड्स द बल्ब. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर से भी वायर जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है. तो अगर हमें डायरेक्शन समझना है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. मीन्स इसका क्या है कि यहां से ये जाए और मूव होता हुआ वापस इधर आ जाए. तो ध्यान से जस्ट रीड दी सेंटेंसेस. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. अगर यहां ये आएगा नहीं, ये इस टाइप से एक साइकिल विल नॉट मूव. इफ देयर इज अ ब्रेकेज, यहां नहीं आ पा रहा है, तो हमारा सर्किट विल कंसिडर नॉट टू बी कंप्लीट. हम इसको इनकम्प्लीट सर्किट कहेंगे और जो करंट फ्लो होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट द सिस्टम कैनॉट वर्क. नाउ ग्लोइंग ऑफ बल्ब को थोड़ा सा और समझते हैं. ये जो होते हैं टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, हमने देखे थे ना, देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद डेट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय, किससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, वायर्स. नाउ अब क्या होता है, जब हमारा बैटरी से करंट बल्ब में आ गया, उसके आगे क्या होता है, डेट करंट पासिस टू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. और जब उस बल्ब के फिलामेंट को वो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, तभी वो बल्ब ग्लो करता है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेल, दिस इज द बल्ब. बल्ब में हमने देखा टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. द सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, वो बल्ब में गया. अब जो बल्ब है हमारा, ठीक है, अगर हम इस टाइप से शेप दे रहे हैं बल्ब की, तो अंदर जो इसका फिलामेंट है, उस तक द इलेक्ट्रिक करंट मस्ट पास. अगर बल्ब के अंदर देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास टिल द फिलामेंट, देन ऑल्सो बल्ब विल नॉट ग्लो.
तो चाहे हमारी बैटरी ठीक है, हमारा सर्किट ठीक है, लेकिन बल्ब विल नॉट ग्लो। तो मेन जब इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में जा रहा है, बल्ब में जो नीचे जो उसका बेस जो टर्मिनल पर है, फ्रॉम टर्मिनल इट शुड पास टिल द फिलामेंट। दूसरा एक कंडीशन हम देखते हैं कि हमारा सेल भी बिल्कुल ठीक है, क्लियर, कनेक्शन भी ठीक है, बट द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो व्हेन बल्ब, जब ऐसे सब कुछ ठीक होते हुए बल्ब नहीं जल रहा है, दिस मीन्स हम उसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, द बल्ब इज फ्यूज्ड, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको नाम देते हैं फ्यूज्ड बल्ब। सो हम इसको क्या नाम देते हैं, फ्यूज्ड बल्ब। सो व्हाई दिस हैपेंस, अंदर क्या एक उसका प्रॉब्लम हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब ग्लो नहीं हो, उसको थोड़ा सा समझते हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द फ्यूज, जो फिलामेंट है डेट इज ब्रोकन डाउन, वो क्योंकि इट इज अ वेरी थिन वायर, और क्या होता है हीट जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट उस पास होता है वो ग्लो करता है, इन दैट प्रोसेस द हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसका एक लेवल होता है टू एब्सॉर्ब दैट हीट, टू मेंटेन दैट हीट, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा उसमें चाहिए वो इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, या अदरवाइज वी आर यूजिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो धीरे धीरे देयर इज सम डैमेज टू दैट फिलामेंट, एंड व्हेन इट ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली द बल्ब स्टॉप्स वर्किंग आउट। सो द ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। सो जैसा हमने पहले देखा था कि बल्ब तक करंट जा रहा है बट फिलामेंट तक नहीं जा रहा है, देन बल्ब विल नॉट ग्लो। तो दिस मीन्स जब जो हमने बल्ब के अंदर इस टाइप से एक थिन फिलामेंट देखा था, अगर ये फिलामेंट का ब्रेक डाउन हो गया, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो जो करंट है वो यहां तक तो फ्लो हुआ बट इसके फर्दर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां से भी फ्लो होके उसको दूसरे टर्मिनल तक जाना है। जैसा हमने बैटरी में देखा था, पॉजिटिव से उसको नेगेटिव पूरा एक कंप्लीट करना है। सो अगर ये फर्दर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक करंट फर्दर नहीं फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, द बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। दिस मीन्स क्या है, नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि यहां से जब वो नीचे पास हो रहा है और बल्ब के नीचे के टर्मिनल से वो सेल से अटैच हो रहा है, तो सेल तक वो एक पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं बन पा रहा है। सो वन एक्टिविटी हम करके देखते हैं, यू टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। अब हमने क्या करा, वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब हमने विंड करा, रैप करा, और जो उसका अदर एंड ऑफ द वायर था वो हमने किससे करा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो वन वायर इज कनेक्टेड ओवर हियर और यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल से उसको अटैच कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करा, अब हम लोगों ने वी आर ब्रिंगिंग दिस बल्ब एंड वी आर टचिंग विद द पॉजिटिव एंड, व्हाट डू यू थिंक, द बल्ब विल ग्लो। चलिए अब इस आंसर को सोचिएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करा, पहले हमने टच करा, फिर उसको हम उसको थोड़ा दूर ले गए, वी आर नॉट टचिंग इट। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आर यू एबल टू सी एनी डिफरेंस, सोचिए कुछ डिफरेंस आएगा, बल्ब ग्लो करेगा, करेगा तो कौन सी पोजीशन पर करेगा, एंड नहीं करेगा तो एट विच पोजीशन इट विल नॉट ग्लो। यस, तो व्हेन वी आर टचिंग हियर then the bulb will glow, but when we are taking away from the positive terminal then the bulb will not glow. क्यों? क्योंकि when we are touching this, तो in this way we are completing the circuit. यहां से current pass हो जा रहा है, ठीक है, but when we are taking away तो the जो हमारा current का है there is a breakdown, it's not in the circuit, तो
the bulb will not glow. So what did we learn today? Today we learned about the electric circuit. Now we know that there must be a proper connection between the cell as well as the object. तो सेल से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से सेल तक का पूरा एक प्रॉपर कनेक्शन होगा तभी द थिंग्स विल वर्क. ठीक है. और आज हमने एक चीज और देखी कि बल्ब का फ्यूज होने का व्हाट इज द रीजन. दिस मींस देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फिलामेंट इनसाइड द बल्ब एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ द सर्किट. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन. बाय.